नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए जो गुरु का भ्रमण होने वाला है 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक, तो वो मेष लग्न वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है वो मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, मेष लग्न के लिए गुरु जो होता है वो नवम भाव का भी अधिपति है और आपके 12वें घर का भी अधिपति है। तो ये एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है कि जहाँ पर आपके 11वें भाव से ये गुरु भ्रमण कर रहा है, तो एक तरह से दशम भाव से अब ये 11वें स्थान पर गया है और ये एक बदलाव कार्यस्थल के अंदर लेकर आ रहा है और आपके लिए बहुत सारे लाभ की प्राप्ति हो रही है। सबसे अच्छी चीज़ ये मेष लगने वालों के लिए है, क्योंकि देखिए, ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लाभ स्थान पर है, मगर एक तरह से आपके भाग्येश होने के कारण भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना अब आपको प्राप्त होगा। आपके कार्यस्थल में जो काफ़ी समय से आप बदलाव करना चाह रहे थे, अब वो बदलाव पूर्ण रूप से हो पाएगा। और ये देखिए, ये एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है कि जहाँ पर मैं आपसे ये भी कहूँगी कि इसकी जो पंचम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर है, ये तृतीय स्थान जो होता है वो हमारे पराक्रम का होता है, हमारे कम्युनिकेशंस का होता है, हमारे भाई बहनों का होता है। तो इस प्रकार से इसकी अमृतमय दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होने के कारण एक तो आप कोई भी प्रकार का चेंज अब एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध अगर खराब हुआ है तो उसे अब आप बेटर स्थिति में ले जा पाएंगे, उसमें आप मधुरता ला पाएंगे, अब एक तरह से आपकी बात को वो समझ भी पाएंगे। देखिए, कम्युनिकेशन में एक मधुरता आ रही है और उसमें लोग अब आपकी आप क्या कहना चाहते हैं उसे समझ भी पाएंगे, सबसे अच्छी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पराक्रम में वृद्धि हो रही है। कोई भी काम करते वक्त आपके साहस के अंदर जो कमी थी, अब वो कहते हैं कि आपके अंदर एक साहस की वृद्धि हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और कम्युनिकेशंस बहुत मधुर होने के कारण आपके जो एक पर्सनालिटी है उसके अंदर एक अट्रैक्शन भी रहेगा और काम में एक मजबूती आएगी, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और इस गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव के अंदर है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए एक कहती हूँ कि अगर फॉरेन जाकर कोई भी प्रकार की स्टडीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बेहतर स्थिति है। मेडिकल छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी प्रकार की स्टडीज़ में अगर आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हैं और उसके लिए अगर अपने आप कोशिश करें तो आप विदेश जरूर जा पाएंगे और उसको आगे बढ़ा पाएंगे। संतान सुख के भी पूर्ण योग बने हुए हैं, क्योंकि देखिए, गुरु की दृष्टि से संतान सुख क्रिएट हो रहा है, तो अगर इस प्रकार की कोई भी इच्छा आप रखते हैं तो वो आपकी इस वर्ष पूरी हो जाएगी। और ये समय आपका आपके लिए बेस्ट है फॉर फैमिली प्लानिंग। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि देखिए, ये शेयर मार्केट्स को भी बहुत सपोर्ट कर रहा है गुरु, तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे लाभ हो सकते हैं। गुरु की देखिए नवम दृष्टि आपके 7वें घर पर भी पड़ रही है, 7वां घर एक्टिवेट हो रहा है, तो मैरिज अगर आप करना चाहते हैं और स्पेशली 5वें और 7वें घर दोनों से ही गुरु का कनेक्शन है, तो अगर आप किसी से भी लव करते हैं और अब उसे मैरिज तक कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट टाइम है। और ये जुपिटर की जो दृष्टि है, अगर कोई भी अनमैरिड है तो उसके लिए एक ऐसी स्थिति क्रिएट करेगा जो मैरिज में आपकी इच्छा को कन्वर्ट करेगा, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और उसमें सबकी मतलब रजामंदी भी होगी, घर के अंदर भी कुछ भी अगेंस्ट जाकर नहीं होगा, सबकी इच्छा से वो मैरिज होगा। और देखिए, लव मैरिज के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, अरेंज मैरिज के लिए भी जाते हैं तो भी जुपिटर आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है। तो अगर इस प्रकार की कोई स्थिति है तो मैरिज के लिए बेस्ट स्थिति है आपके लिए। और एक चीज़ के बिजनेस के लिए ये मैं कहूँगी कि आप कोई भी बिजनेस के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होगी, आपकी जो रोटेशनल इनकम है वो बढ़ेगी,
और ये जो जुपिटर की दृष्टि आपके सातवें घर पर है, तो एक तरह से ये आपको एक कार्यस्थल के अंदर कन्विंसिंग पावर भी दे रहा है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो नए बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो अलग जाकर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी क्लैरिटी भी देगा आपको। तो आप एक प्रकार से क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो देखिए, ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल परिस्थिति है। और जुपिटर का 10वें घर से 11वें घर में जाना, तो एक लाभ में अभी तक जो आपने मेहनत करी है, अब इसका लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा और एक बेहतर स्थिति में कहूँगी। और आप सभी के लिए ये गोचर बहुत अच्छा होने वाला है, तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। बस इसका बहुत अच्छे से लाभ लीजिए। अगर आपकी दशाएं और आपका पर्सनल चार्ट सपोर्ट कर रहा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई कंसल्टेशन भी मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स। मैं आपको पूरी ही जानकारी उस पर दूंगी किस तरह से कांटेक्ट किया जाए मुझसे। और बस हमेशा मुझसे जुड़े रहिएगा। और बहुत सारे वीडियोस हम शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी नॉलेज हम सब बांटने वाले हैं। तो हमेशा बस जुड़े रहिएगा और कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।